अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी एमडी कैट पास पेपर 2019 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ स्टिमुलेशन इज अबव डैश, इंपल्सिस ट्रेवल टू द ब्रेन अलोंग द सेंसिंग न्यूरॉन। हम जानते हैं कि वो स्टिमुलेशन चाहिए होता है मिनिमम वैल्यू का टू इनिशिएट अ नर्व इंपल्स, दैट इज कॉल्ड अ थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। तो आंसर आएगा डेल्टा। ये भी समझ लें कि थ्रेश होल्ड स्टिमुलस बेसिकली होता क्या है। थ्रेश होल्ड किसे कहते हैं? थ्रेश होल्ड को उर्दू में कहते हैं दहलीज। इसको हम ग्राफ की मदद से अगर समझें तो ये पॉइंट पर अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा, कांस्टेंट ही चीज आ रही है। इससे कोई चीज या ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है। तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर चेंज आने का आगाज हुआ है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, इसको कहा जा रहा होता है थ्रेशहोल्ड। वो पॉइंट जहां पर चेंज आने का आगाज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस इन मसल कॉन्ट्रेक्शन इज टू। तो कैल्शियम आयन क्या कर रहा होता है? कैल्शियम आयन हम जानते हैं कि अगर हम चेन बनाने की कोशिश करें तो तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं इन द थिन फिलामेंट। वन इज कॉल्ड एज एक्टिन फिलामेंट, दैट ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर जस्ट लाइक पर्ल्स ऑन अ स्ट्रिंग। अगर ये एक्टिन की चेन्स हैं दो, और दैट इज सराउंडेड बाय ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन इज रैप्ड अराउंड एक्टिन फिलामेंट्स इन दिस वे। और जो थर्ड प्रोटीन है डेट इज कॉल्ड एज ट्रोपोनिन, उसका एक यूनिट अटैच होता है विद द ट्रोपोमायोसिन, अटैच होता है विद द एक्टिन, और एक फ्री होता है। और थर्ड वाला जो पार्ट है वो ज्वाइन कर रहा होता है विद द इनकमिंग कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन इस ट्रोपोनिन से जब अटैच करेगा तो ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो गई, और एक्टिन फिलामेंट जो एक्टिव साइट है उस पर जाके फिर मायोसिन का जो हेड पार्ट है, ग्लोबल पार्ट, वो अटैच हो जाता है। ये पूरा फिनोमिनन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सी बनेगी? बीटा ऑप्शन, बाइंड टू ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल एंड कॉज देम टू मूव। क्वेश्चन नंबर 3, the structure of a fibrous protein comprises of polypeptide chain in the form of। fibrous protein hum jante hain ki ye fibril like hoti hai, long straight, so answer aayega delta। spherical protein hoti hai globular, aur ellipsoidal bhi hoti hai globular। question number 4, microtubule subunits फॉर स्पिंडल फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड इन डैश फेज। तो इसके लिए हम साइज साइकिल अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, दिस वन इज द एम फेज, दिस वन इज द एस फेज। अब ये हमें पता है कि एम और एस के दरमियान जो गैप आता है दैट इज कॉल्ड एस जी वन, और एस और एम के दरमियान जो आ रहा होता है दैट इज कॉल्ड एस जी टू। अब ये याद रखें कि एस की सारी प्रिपरेशन होती है इन द जी वन फेज, मतलब एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होनी है। तो इसके लिए जो एंजाइम चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए, न्यूक्लियोटाइड वगैरह नाइट्रोजन बेसिस चाहिए, वो सारी कहाँ बन रही होंगी? जी वन फेज के अंदर। और इस तरह ही एम फेज के अंदर जाकर क्योंकि सेल ने डिवाइड हो जाना होता है तो इसकी सारी प्रिपरेशन हो रही होगी जी टू के अंदर। अब स्पिंडल फाइबर्स आपको चाहिए होते हैं फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट टुवर्ड्स देयर पोल्स। तो स्पिंडल फाइबर्स जब चाहिए होंगे वो चाहेंगे एम फेज के अंदर, तो वो बने कब उसकी प्रोटीन्स? फिर सब यूनिट्स डेफिनेटली एम फेज सब जो जस्ट पहले फेज आ रही होती है जी टू। तो राइट आंसर इज जी टू फेज। याद करने का आसान तरीका यही है कि जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो डुप्लीकेट कर जाती है इन द जी वन फेज एक्सेप्ट सेंट्रियोल।
सेंट्रीओल डुप्लीकेट कर रहे होते हैं जो जी टू फेज, क्योंकि सेंट्रीओल चाहिए या फेज में चाहिए होते हैं। क्वेश्चन 5, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट हायरार्की ऑफ वेरियस टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, के पी सी ओ एफ जी एस, इस तरह आप याद भी कर सकते हैं पी सी ओ एफ जी एस। तो इससे आप चले जाते हैं स्टार्ट, बेसिक यूनिट कौन सा होता है टैक्सोनॉमी का या क्लासिफिकेशन का, डेट इज स्पीशी। तो इसमें राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा, स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर क्लास एंड फाइलम। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स देन स्पोर्टेड, तो आंसर आएगा बीटा, अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो इसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें हमारे पास पूरी एक डायग्राम है। तो ये हमने बनाई एक थैलाकाइड डिस्क की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हम जानते हैं हमेशा लिपिड बायलेयर होती हैं, सारी की सारी ये थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, उसका अंदर वाला लीमन का पार्ट है। थैलाकाइड मेम्ब्रेन इज अ मॉडिफाइड मेम्ब्रेन विच हैज फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम 2 पहले आ रहा होगा, तो ये फोटोसिस्टम 2 पहले आएगा और फोटोसिस्टम 1 बाद में आएगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन देयर डिस्कवरी, फर्स्ट पहले डिस्कवर हुआ था और 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। अच्छा, पूरा पाथवे अगर हम देखें तो लाइट आती है, फिर पूरा सिस्टम चलता है, इसके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में होता है, वहां से फिर इस तरह जा रहा होगा और फिर फाइनली ऊपर ये होगा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक का सिस्टम इस तरह होता है कि फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन दोबारा आते हैं साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम से फिर जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, उसके बाद फिर रिएक्शन सेंटर 1 के पास, उसके पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वहां से फिर फेरिडॉक्सिन के पास, और ये सिस्टम इस तरह चला जा रहा होता है। इसमें आप देखेंगे फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज ड्यू टू, तो स्पेस इसलिए इंक्रीज हो रही होती है क्योंकि अगर चेस्ट कैविटी है और ये अगर हम डायफ्राम बनाई है और ये भी चेस्ट कैविटी है और डायफ्राम इस तरह है, इसमें आप देखें डोम लाइक है और इसमें लेस डोम लाइक है, इस केस में स्पेस इंक्रीज हो जाएगी और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सो हवा बाहर से अंदर आएगी, सो आंसर आएगा बी। The contraction of the muscles of the diaphragm. Question number 9. Xerophytes have small thick leaves. Xerophytes रहते हैं xeric conditions के अंदर, जहां पर water deficiency होती है. That's why सबसे highest इनकी water use efficiency होती है. तो इसका correct answer आएगा delta. Limit water loss by reducing the surface. Question number 10. लार्ज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली फॉर्म लार्जर लिम्फ डक्ट विच ड्रेन्स इट्स, पूरा अगर पाथवे देखें तो हमें मालूम होता है कि बॉडी पूरी में ना ये वेसल्स फैली होती हैं, ये अगर लिम्फ वेसल्स हैं, जगह जगह पर नोड्स होती हैं, दाखिलने वाली बहुत सी लिम्फ वेसल्स होती हैं, इनको हम एफरेंट कहते हैं, और निकलने वाली एक होती है, इसे कहते हैं ईफ्रंट, EFFERENT। ये सारी वेसल जाके ना इन द चेस्ट रीजन, इन थोरक्स रीजन मिल जाती है, बनाती है थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। अब ये डक्ट जो है बॉडी अगर दो पार्ट बनाए, ये राइट वाला राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये डक्ट आगे जाती है और लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एक हड्डी होती है, यहाँ पे भी होती है, खैर इसको कहते हैं क्लेविकल बोन,
क्लेविकल बोन के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ब्लड कैपिलरी होती है, इसे कहते हैं सब क्लेवियन। सब इसलिए कहते हैं कि क्लेविकल के नीचे पाई जाती है। तो थ्रस्टल फैटी डिस्क को ज्वाइन कर जाती है। अब किसको ज्वाइन कर रही है? ये लेफ्ट सब क्लेवियन वेन को, जो अल्टीमेटली ज्वाइन कर रही होती है टू द हार्ट, और हार्ट से फिर ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होगा। सो ये सब क्लेवियन वेन होगी। वेन हम कहते हैं भी इसलिए जो हार्ट की तरफ जाती हैं, और आर्टरी जो हार्ट से अब ये जाती हैं, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। सो राइट आंसर क्या बनेगा? डेल्टा, सब क्लेवियन वेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।